अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सिर्फ इस टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो जंपिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द केस की 100, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस क्योंकि वीकली क्लोज नहीं हुआ अभी और 21 एक्सपोनेंशियल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो वी आर नाउ ट्रेडिंग बिलो इट, 55 के अभी ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल वुड बी ऑफ अ बेटर रेजिस्टेंस रादर देन 55 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज। सो 21 इज करंटली इन यू नो इन प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, सो लेट्स सी क्लोज किधर मिलता है। सो उसके अलावा मैंने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम पे वॉच आउट फॉर दी डाइवर्जेंस, क्योंकि जब तक हम इसके नीचे हैं, इस पॉइंट के नीचे, तब तक डाइवर्जेंस का खतरा रहेगा। और वो डाइवर्जेंस का खतरा इसलिए रहेगा क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है ऑफ RSI, ये वाला टॉप जिसके साथ प्राइस एक्शन जो है ऑन द टॉप साइड वो हमारे पास ऊपर है, जबकि RSI इस वक्त करंटली काफी ऊपर है जबकि प्राइस एक्शन नीचे है। सो दिस इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो इट इज गोइंग टू कंफर्म वंस वी कंफर्म द लोकल हाई। और लोकल हाई जो है वो कैसे कंफर्म होगा, लोकल हाई आई थिंक ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो आपके पास ऑरेंज है, इसके नीचे जैसे ही कल क्लोज होगा तो यू विल यू नो गेट द कंफर्मेशन ऑफ इट। स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन पीरियड आ चुका है, 21 एक्सपोनेंशियल ब्रेक हुई है इन द लास्ट 3 आवर्स, और that is actually going to give it a continuation towards the 55 exponential and 50 simple moving averages over here. Lekin abhi hamare paas ye hai ki hamare paas agar hourly mein yahan se support mil jati hai, you know, somewhere around the 100 EMA and 100 simple moving average which are standing currently around 44,600 to 44,500 level, so that would that can be very good. Usme hamare paas jo last local high formations hai, you can see it over here, local low formations hai, वो यहाँ पर हैं। और इस वक्त RSI जो है उनसे नीचे आ चुकी हुई है, सो एनी काइंड ऑफ यू नो लोकल लो ऑन द आवरली अबव दिस वन विल गिव अस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो पुल बैक जो है उसके अंदर हमारे पास डाइवर्जेंस भी हो सकती है अगर हम लोकल लो फॉर्म कर लेते हैं समवेयर अराउंड अबव दिस वन, ठीक है, 44,492 के ऊपर। डेली में भी आपके पास वही लेवल जो है, मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे 50 सिंपल के नीचे क्लोज करते हैं विच इज 44,978, तो आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है वो पुल बैक आ सकता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच इज समवेयर अराउंड 44,585। ये वही लेवल है जो आवरली पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जहाँ पे जिससे ऊपर क्रिएट हो सकती है। सो यस यू कैन गेट यू नो गेट एन एंट्री इफ यू नो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस गेट्स प्लेस्ड ओवर देयर इन दिस पुल बैक, लेकिन डाइवर्जेंस जो है वो कन्फर्म हो जाएगी वंस वी हैव अ क्लोज बिलो ऑरेंज 50 सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब जो इसमें ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक छोटा सा क्लोज दिया जाए और फिर यू कैन यू नो गेट आउट ऑफ इट। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि पूरी जो मार्केट है उसमें मौका नहीं दिया जाता और स्ट्रेट वे एक पुल बैक देख के मार्केट वापस ले ली जाती है। तो बिफोर यू गेट टू नो और बिफोर यू गेट अ कन्फर्मेशन ऑफ ए डाइवर्जेंस कन्फर्मेशन, तो उससे पहले ही मार्केट डाइवर्जेंस स्ट्रेट वे ही प्ले कर देती है। तो एनी वेज एनी सिनेरियो कैन प्ले आउट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लोज नहीं करते तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, और उसमें क्या होगा कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी। आज की जो कैंडल है ये डाइवर्जेंस अभी क्रिएट की नहीं है इसने, लेकिन 50 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होते ही डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी और वो फर्दर एक कंटिन्यूटी 21-2 में दे सकती है। आवरली में मैंने आपको बताया कि वही चीज रेप्लीकेट करेगी ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो शॉर्टर में आपके पास जो पॉइंट है ये वाला 44,456 जो कि डेली में वापस जाके मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि डेली में यू कैन सी ओवर 21 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यहाँ पे 44,542 है। तो 100 पॉइंट्स के डिफरेंस से ये वही एरिया बनता है, ठीक है, यहाँ वाला कि जिससे ऊपर अगर आपके पास लोकल लो बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास इस पॉइंट और उस पॉइंट में जो बनेगा उसमें आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्लेस में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि RSI में ये वाला पॉइंट है जिसके साथ आपका ये वाला लोकल लो बना हुआ है, और इस वक्त RSI ऑलरेडी नीचे आ चुकी है लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर है। तो अगर जहाँ पे भी आपका लोकल लो कन्फर्म होगा, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस विल कन्फर्म इट सेल्फ एंड द मार्केट विल यू नो सॉर्ट ऑफ जो आपका एक कंसोलिडेशन का बॉटम है वो प्ले आउट हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फर्दर कंटिन्यू टू बी अपसाइड कर सकती है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि अगर डाइवर्जेंस आ जाती है बिलो दिस एरिया, तो दिस एरिया ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ 0.236 है एट 43,821 दिस इज गोइंग टू कम इन टू प्ले वंस अगेन। और वो कैसे आएगी, ऑब्वियसली डाइवर्जेंस कन्फर्म हो, डाइवर्जेंस कन्फर्म होने के बाद 21 एक्सपोनेंशियल होल्ड ना करे और फिर फर्दर कंटिन्यूशन आए तो वही एरिया प्ले में आ जाएगा जिसमें मैंने आपको अच्छा बताया था कि इसमें डाइवर्जेंस क्रिएट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डाइवर्जेंस क्रिएट होने में क्या फर्क है, इंस्टेड के हम यहाँ इसके ऊपर आए और फिर इस पॉइंट से डाइवर्जेंस क्रिएट करें, ठीक
ठीक है, तो अगर इसमें और इसमें क्रिएट हो जाती इन फ्यूचर तो दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि उसमें हमारे पास वापस नीचे आने के लिए सपोर्ट बेहतर होती है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऊपर जाके क्लोज करते तो हमारे पास 1.618, जो कि मैं आपको दोबारा भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक तो 0.618 हमारे पास क्लेम हो जाता, ठीक है, अलॉन्ग विद द लार्जर मूव, ठीक है। एक तो हमारे पास 0.618 यहाँ पे क्लेम हो जाता 45,725, और उसके बाद 0.5 और 0.618 एज ए सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश करते इस प्राइस एक्शन को वापस पुल बैक के अंदर। और इसी तरह अगर आप इस लार्जर मूव को रिट्रेस कर लें तो लार्जर मूव के अंदर जो आपके पास एक फिबोनाची लेवल है, प्लस यू हैड द ट्रेंड लाइन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जिसके अंदर आप अगर स्ट्रेट वे इफ यू बम्प इन इनटू दिस वन, तो 0.618, 0.5, ये सारे आपको होल्ड करने के लिए रेडी होते हैं। एंड देन अगेन वही मूविंग एवरेजेस जो है वो इंक्लाइंड सपोर्ट में आ जाए इन अ बेटर और मोर इंक्लाइंड पोस्चर, जिसमें फिर वो बड़ी अच्छी सपोर्ट साबित होती है। सो हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस अभी कंफर्म नहीं हुई है, ऑल्दो स्टिल आई एम गोइंग टू से कि अभी कंफर्म नहीं हुई है, 50 सिंपल ब्रेक होएगी तो कंफर्म होएगी, क्योंकि वी हैव अ कैंडल क्लोज कंफर्मेशन, ठीक है। मैंने पूरी बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल आप बेरिश कैंडल से रिट्रेस नहीं कर पाए, और अभी आपके पास 50 सिंपल भी उसके नीचे है जहाँ से आपने सपोर्ट ले लिया, और यू कैन सी आप एग्जैक्टली 50 सिंपल के पास से बाउंस नहीं है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास कल 50 सिंपल के नीचे क्लोज मिल जाता है अलॉन्ग विद द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस कैंडल, दिस इज गोइंग टू कंफर्म द हिडन बेरिश डाइवर्जेंस इन द डेली टाइम फ्रेम एंड मूव टू द 21 एक्सपोनेंशियल कैन अकर। और उसमें अगर 21 के नीचे आता तो ऑब्वियसली दिस एरिया इज गोइंग टू कम इन टू प्ले अगेन, दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट वॉन्टेड, लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्टिंग इट इज प्लेइंग आउट समवट लाइक दैट, बट एनी वेज विल हैव टू सी। जो दूसरा सिनेरियो उसमें ये कि अगर मार्केट कल ओपन होती है और 50 सिंपल को होल्ड कर जाती है और मार्केट वापस ऊपर रिट्रेस करती है, तो 100 दिस ब्लू मूविंग एवरेज लेट्स सी आई थिंक 100 MA, ठीक है, तो 100 MA शुड बी यू नो एन एम्पल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें अगर आपके पास 100 MA के ऊपर क्लोज मिल जाता है, ठीक है, 100 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यस फर्दर वही प्लान दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा जो प्रीवियसली था, कि हम वापस ऊपर जाएं और इस एरिया के साथ बाद में फिर डाइवर्जेंस क्रिएट करके बंपिंग इनटू दिस ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही थी उसमें से दोबारा नीचे आए, तो 0.3 2.5 ये सारे लेवल्स जो हैं वो होल्ड करने की पोजीशन में आए अलॉन्ग विद द इंक्लाइंड पोस्टेड मूविंग एवरेजेस। तो आवर्ली में व्हाट यू नीड टू डू इज कि आवर्ली में जो फर्स्ट टेलटेल साइंस होंगे दोज वुड बी कि आपके पास आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर आपके पास लोकल हाई लोकल लो बन जाना चाहिए, और अगर वो लोकल लो बन जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन ऑफ द एंड ऑफ दिस पुल बैक एंड देन फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ऑब्वियसली अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास कंसोलिडेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन होती है वो फर्दर, क्योंकि अब हमारे पास यू कैन सी इट ओवर हियर के एक दिस इज अ लेवल, ठीक है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देन अगेन रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट और उसके बाद फाइनली ऊपर, तो अगर आप नीचे आते भी हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ एन इम्पॉर्टेंस, और यहाँ पे आपका लास्ट लोकल हाई लोकल लो भी है, तो अगर आप इसके ऊपर आकर लोकल लो बनाते हैं वी विल हैव द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हियर। तो मार्केट कंसोलिडेट करती हुई अगर सपोर्ट्स बिल्डअप करती हुई ऊपर जाए तो दैट इज मोर हेल्दी ऑफ अ मूव रादर देन अ स्ट्रेट मूव टू द अपसाइड। उसमें क्या होता है कि नीचे सपोर्ट क्रिएट नहीं होती और जब वापस पुल बैक आता तो वो भी उसी उतनी ही स्पीड से वापस नीचे आता जितना जिस तरह ऊपर गया था। सो ये लोकल लो है, इसको वॉच आउट कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर हमारे पास ये लेवल दोबारा ओपन हो जाता है 0.236 ऑफ दिस शॉर्टर मूव और 0.236 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम जो मैं आपको दिखाता रहा हूँ 43,821 से लेके 44,198 लेवल, ये बॉक्स दोबारा प्लेइंग में आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली फिर से वही बात आ जाएगी कि एक बार फिर सांस रोकना पड़े और देखना पड़े कि मार्केट किस तरह को दोबारा जो है वो अपना अगला कदम उठाने लगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।